रियासते महाराष्ट्र में एक जिला है जिसे बुलढाणा नाम से जाना जाता है। इसी बुलढाणा जिले में एक देहात सैलानी नाम से जाना जाता है। इसी देहात में हजरत हाजी अब्दुल रहमान उर्फ सैलानी बाबा रहमतुल्लाह अलैह का मजार पाक है। सैलानी गांव घने जंगल और पहाड़ियों की वादियों में बसा हुआ है। चारों तरफ से पहाड़ियों के बीच बसे हुए इस गांव का नाम हजरत सैलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से ही सैलानी गांव पड़ा है। इस छोटे से गांव में देश की चारों दिशाओं से आने वाले जायरीन का हुजूम लगा रहता है। मुंबई, सूरत, अहमदाबाद से आने वाले लोगों के लिए भुसावल से होकर मलकापुर तक रेलवे मार्ग की सुविधा है। मलकापुर से 40 किलोमीटर अंदर बुलढाणा के लिए भी बस की सुविधाएं हैं। वैसे ही बुलढाणा से 25 किलोमीटर के फासले पर सैलानी गांव स्थित है, यहां से भी बस सुविधाएं हैं। इसी तरह आंध्र प्रदेश, हैदराबाद से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए औरंगाबाद तक के रेल सुविधाएं हैं और फिर औरंगाबाद से सैलानी गांव तक बस की सहूलत हासिल है। अलबत्ता इस गांव में आने के लिए रेलवे और बस का इंतजाम है और सभी रास्ते आसान और सरल हैं। आइए नाज़रीन इकराम, आज एक ऐसे अल्लाह के वली की सवाने हयात पर रोशनी डालेंगे जो इसी सदी के एक पायदार बुजुर्ग हो गुजरे हैं। वैसे तो आपकी विलादत दिल्ली के एक मौज्ज़ज़ खानदान में हुई। आपके वालिद मोहतरम काले खान साहब का शुमार दिल्ली के शुरफा में होता था। इसका सबूत इस बात से मिलता है कि आज भी दिल्ली की एक बस्ती काले खान के नाम से मंसूब है। इतना ही नहीं बल्कि काले खान नाम से बसें भी चलती हैं। हरचंद के आपका ताल्लुक हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से है, ताहम खिदमत खल्क के जज्बे और एहसास जवाबदेही ने आपको सूबे महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के एक देहात जो आज सैलानी नाम से जाना जाता है ला बसाया। आपकी पूरी जिंदगी खिदमत खल्क में गुजरी। आपकी खिदमत में बिला तफरीक मजहब व मिल्लत दीन दुखी, जिंदगी से मायूस और हालात से परेशान लोग आते और फयूज व बरकात हासिल करते। आपकी पैदाइश भी किसी करामत से कम नहीं। आपका ताल्लुक दिल्ली के एक अमीर और मुअज्जज खानदान से है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके वालिदैन को इज्जत, दौलत, शोहरत हर चीज से नवाजा था, मगर कमी थी तो सिर्फ औलाद की। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नेक बंदों को मायूस नहीं करता। उसकी रहमतें किसी ना किसी जरिए से उन तक पहुंच जाती हैं। एक दफा का वाकिया है नाजरीन कि आपकी वालिदा बहुत मायूस और गमगीन बैठी थी। उसी वक्त वहां एक दरवेश तशरीफ लाए। आपने घर में से कुछ आटा वगैरह दरवेश की खिदमत में पेश कर दिया। उस फकीर दरवेश ने आपके चेहरे को पढ़ लिया और उदासी का सबब दरियाफ्त किया। आपने औलाद से महरूमी से मुताल्लिक हकीकत बयान की। फकीर दरवेश ने अपनी झोली से एक फूल निकाल कर आपके वालिदैन को पेश किया और कहा कि आप इसे खा लीजिए, अल्लाह ताला आपकी मुराद पूरी करेगा। और नसीहत की कि इस बच्चे का नाम अब्दुल रहमान रखा जाए। इतना कहकर फकीर दरवेश वहां से रुखसत हो गए। फकीर दरवेश ने जिस तरह रहनुमाई की थी आपके वालिदैन ने उस पर अमल किया और कुछ महीनों बाद काले खान के घर आपकी विलादत हुई। लिहाजा वालिदैन ने आपका नाम अब्दुल रहमान रखा। ये अलग बात है कि आप एक मुअज्जज़ और अमीर घराने के चश्मो चराग थे, मगर आपका बचपन
आम बच्चों की तरह ना था, आपको बचपन से ही कुश्तियों का बड़ा शौक था। एक मर्तबा का वाकया है कि आप कुश्ती का मुकाबला जीत कर खुशी व मसर्रत से सरशार शहर से आ रहे थे। सरे राह एक बुजुर्ग से मुलाकात हो गई। बुजुर्ग ने कहा कि दुनिया की कुश्ती की जीत भी कोई जीत है? असल जीत और खुशी तो दूसरों के दुख दर्द दूर करके ही हासिल होती है। इस वाकये ने आपकी दुनिया ही बदल डाली। आप काफी बेचैन रहने लगे और 14 साल की उम्र में खिदमते खल्क के लिए घर से निकल पड़े। नाज़रीन इकराम, सफर के दौरान आपकी मुलाकात एक फकीर से हुई। उन्होंने आपको हजरत खैरुद्दीन शाह मुजर्रद रहमतुल्लाह अलैह की खानका में हाजरी की तलकीन की। आप मुस्तफाबाद चोपड़ा में हजरत खैरुद्दीन शाह मुजर्रद रहमतुल्लाह अलैह की खानका में तशरीफ लाए। आपके नूरानी चेहरे को आपके पीर व मुर्शिद देखते ही रह गए और अब्दुर्रहमान को खानकाह में रहने की इजाजत दे दी। कई दिन बीत गए, आपको जिस चीज की तलाश थी उससे आप अभी तक महरूम थे। मायूसी व नाउमीदी के आलम में आप खानकाह से निकल पड़े। आप जैसे ही बगैर इजाजत खानकाह से निकले, पीर व मुर्शिद को रूहानी इल्म के जरिए इंकशाफ हो गया और फिर आपको खानकाह वापस बुला लिया गया। एक तवील मुद्दत के बाद वज़ाइफ, रूहानी उलूम और खिलाफत से मुताल्लिक तमाम बातें आपके सीने में मुंतकल की और फिर आपके सर खिलाफत का सहरा बांधा गया। जरूरी किताबें सिलसिले नक्शबंदिया, कादरिया, चिश्तिया, सुहरवर्दिया वगैरह हम सिलसिलों के इजाजतनामे, शजरा वगैरह इनायत करके रुख्सती की इजाजत मरहमत फरमाई और फिर शुरू हुआ खिदमत खल्क और करामतों का सिलसिला। मेरे पीर फैदानी, मेरे पीर फैदानी, किस्मते बदलते हैं। मेरे पीर फैदानी, किस्मते बदलते हैं। जैसे ही आप खानकाह से निकले, आपने देखा कि लोगों की एक भीड़ गांव के चौराहे पर जमा है और एक कुत्ता मुर्दा हालत में पड़ा हुआ है। किसी बात पर वहां मौजूद लोगों से आपकी बहस हुई और आप जलाल में आ गए। इसी कैफियत में आपने कुत्ते को उठने का हुक्म दिया। कुत्ता अपनी दुम झाड़ता हुआ उठा और भाग गया। जब यह खबर आपके पीरो मुर्शिद तक पहुंची तो आपने सैलानी बाबा को ऐसा करने से मना किया और नसीहत की कि अब्दुर्रहमान, आपको इल्म करामतों के इजहार के लिए नहीं बल्कि खिदमत खल्क के लिए अता किया गया है। आपने खिदमत खल्क के हवाले से अशद जरूरी मौकों पर करामतों का इजहार भी किया। एक पीपल के दरख्त में अजदेह की शक्ल में जिन का बसेरा था, जो उधर से गुजरने वाले मुसाफिरों और राहगीरों को परेशान करता था, आपने उसका खात्मा करके उसके जुल्म से लोगों को निजात दिलाई। बयक वक्त अलग अलग मकाम पर आपकी मौजूदगी, खूंखार जंगल में शेरों को अपने हाथों से चाय पिलाना, ऐसी कई करामतें आपकी जात से मंसूब है। रफ्ता रफ्ता इन करामतों का शोहरा दूर दूर तक होने लगा। मुतासिबाना जहन रखने वालों ने आपकी तरह तरह से आजमाइश ली, मगर आपने राह हक न छोड़ी। तमाम उम्र दीन की दावत को आम किया। अल्लाह और उसके रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलते रहे और दूसरों को भी तलकीन करते रहे। खिदमत खल्क में सफर करते करते आप इलाके बरार के जिला बुल्ढाना में पीपल गांव सराई में तशरीफ लाए। यहां आपकी मुलाकात दादा हुसैन नामी एक शख्स से हुई। दादा हुसैन ने अपने घर चलने की दरखास्त की और वालेहाना इस्तकबाल किया। घर पहुंचते ही सैलानी बाबा ने दादा हुसैन से कहा कि हमारा संदल इसी घर से निकलेगा। आज आपको इस दुनिया से रुखसत हुए तकरीबन 103 साल पूरे हो गए हैं, मगर आपकी वसीयत के मुताबिक हर साल संदल उसी घर से बड़े ही तुझको एहतेशाम के साथ निकलता है और इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी वो सारी रहेगा। इबादत के लिए आप गांव से दूर घने जंगल में
अपने रब के हुजूर सजदा रेज होते, दौरान इबादत खूंखार जानवरों का गुजर होता। अक्सर ये देखकर आपके मुरीदीन घबरा जाते कि कहीं बाबा को ये जानवर नुकसान न पहुंचाएं, मगर आप डर और खौफ से बेनियाज अपनी इबादत में मसरूफ रहते। शेर और खूंखवार जानवर कभी आपका सिराहना बनते या कभी बड़े ही मुअद्दबाना अंदाज में आपके इर्द गिर्द बैठ जाते। मुरीदीन के लिए ये बातें बड़ी ही हैरत अंगेज होती। इस इलाके में अक्सर सूखा पड़ जाता था, जो खल्के खुदा के लिए बड़ा ही परेशान कुन होता। यही वजह है कि जब खुदा के बंदे पानी ना होने के सबब बेचैन, निढाल और बदहवास होने लगे, तो बाबा सैलानी का जोश रहम शिद्दत के साथ उभरा और आपने उसी इलाके में एक जगह पानी का झिरा जारी होने का हुक्म दिया। ये अल्लाह के एक महबूब बंदे का हुक्म था, जिसे अल्लाह के इज्न से रुबे अमल होना ही था, सो होकर रहा और इस तरह से पानी का झीरा जारी हो गया और 100 साल से मुसलसल जारी है। आपने अपने हाथों से पानी के झीरों का इंतजाम किया, ताकि अल्लाह के बंदों के साथ साथ दिगर मखलूक भी अपनी तशनगी बुझा सकें, और जब तक रब्बे कायनात चाहेगा जारी वो सारी रहेगा। इस झरने में आज तक पानी की कमी नहीं हो सकी और मखलूकात को मुसलसल फैज हासिल हो रहा है। मोहतरम नाजरीन, फरमाने खुदावंदी है कि जब कोई बंदा मेरी रजा और खुशनुदी के रास्ते पर चल पड़ता है, तो मैं उसकी आंख बन जाता हूँ, उसके हाथ उसकी जुबान बन जाता हूँ। और हमारा ईमान है कि अल्लाह जल्ले शानहू का फरमान हक है, हक है, हक है। शायद अल्लामा इकबाल ने इसीलिए ये कहा कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। बाबा सैलानी रहमतुल्लाह अलैह भी खुदा के बंदों में से ऐसे बंदे हैं कि जिन्होंने रब्बे कायनात की रजा व खुशनुदी में अपने आप को फना कर दिया। फिर ये कैसे मुमकिन था कि खुदा ताला बाबा सैलानी के हाथ आंख जुबान ना बनता। सैलानी सरकार के दरबार में बिला तफरीक मजहब श्रद्धालु अपने मन में मुरादे लेकर आते हैं। कौमी यकजहती की ऐसी मिसाल शायद ही कहीं नजर आए। यहाँ पर जलाई जाने वाली होली बेमिसाल है और श्रद्धालुओं का ये अकीदा है कि इस होली की आग में जादू टोने और सेहर के असरात जल जाते हैं। होली जलने के ठीक 5 दिन बाद शुरू होने वाला ये मेला अपने आप में कई खसूसियात का हामिल है। इतना ही नहीं, पूरे मुल्क में इस होली के त्योहार से एक पैगाम ये भी जाता है कि एक ऐसा मकाम जो मुसलमानों के लिए काबिल एहतराम है, वहाँ और दिगर जातों वगैरह के तमाम आसेब ज़दा जादू टोने से बीमार पड़ने वाले लोगों का होली जैसी आग के जरिए शिफा पाना एक ऐसा मुबारक इत्तेफाक है कि जिसके जरिए हिंदू मुस्लिम इत्तेफाक जैसा माहौल खुदादाद तरीके से बन जाता है। अल्लाह ताला अपने बरगजीदा बंदों के जरिए ये बताना चाहता है कि ऐ लोगों, देखो मेरे नजदीक मेरे महबूब बंदों का क्या दर्जा है। नाज़रीन इकराम, अंदाजा करें कि जब अल्लाह के वली का ये मकाम है, तो अंबिया का क्या मकाम होगा, और अंबिया का ये मकाम है तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा क्या होगा। और अल्लाह वो तो तमाम आलम का रब है ही। रूहानी इलाज के हवाले से आपका दूर दूर तक शोहरा है। भूत प्रेत, पुरअसरार बीमारियां, जादू टोना वगैरह जैसे मरीजों का यहाँ मुकम्मल इलाज होता है। 20 दिन या 40 दिन सहरजदा मरीजों को जंजीरों में बांध कर रखा जाता है और मौतकदीन यहाँ से फैज पाकर जाते हैं। नाजरीन इकराम, हजरत बाबा सैलानी का ताल्लुक चूंकि इसी सदी से है और इस जमाने में जदीद तकनीक का जहूर हो चुका था, आज हम देखते हैं कि हमारे ना चाहते हुए भी चाहने वाले कहीं ना कहीं से हमें कैमरे में कैद कर लेते हैं। और फिर बाबा सैलानी एक रहम दिल अल्लाह के वली थे, दरगुजर से काम लेते थे, शायद इसीलिए आप इनकार ना कर सके और आपके किसी चाहने वाले ने आपकी तस्वीर को कैमरे में कैद कर लिया। आज हमें जाबजा सैलानी बाबा की जो तस्वीर देखने को मिलती है, वो हकीकी तस्वीर है, ना कि ख्याली।
यह अलग बात कि उसे जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मिक्सिंग के जरिए मजीद निखारा गया है। तकरीबन 103 साल पहले सैलानी बाबा ने ये पेशन गोई की थी कि हुसैन दादा, ये दोनों पहाड़ियां देख रहे हो, इंशाल्लाह इन दोनों पहाड़ियों पर रोशनी ही रोशनी रहेगी, मेला लगेगा और एक जम्मे गफीर हर साल यहाँ मौजूद रहेगा। हर साल मोतकदीन लाखों की तादाद में जियारत के लिए यहाँ आते हैं। बिलाखिर अल्लाह के इस वली ने उर्स के दौरान का मंजर बयान करते करते जामुन के पेड़ के नीचे इस दुनिया को खैराबाद कहा और अपने मालिक हकीकी से जा मिला। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।